विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। यदि पांच वस्तु का विक्रय मूल्य तीन वस्तु के लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी के इक्वल है यानी बराबर है तो लाभ या हानि का परसेंट बताइए यानी प्रॉफिट और लॉस का परसेंट बताइए। जब कभी भी ऐसा बोले कि पांच वस्तु का विक्रय मूल्य तो आप लिखिए, देखिए पांच वस्तु का मतलब होता है गुना, तो पांच वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। पांच वस्तु का विक्रय मूल्य तीन वस्तु के मतलब का के की तीनों का मतलब गुना होता है। पांच वस्तु का विक्रय मूल्य तीन वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी यानी लागत मूल्य के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि सीपी को हम यहाँ क्रय मूल्य लिख रहे हैं और एसपी को हम यहाँ विक्रय मूल्य लिख रहे हैं। तो कहता है कि पांच वस्तु का विक्रय मूल्य तीन वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो आप एसपी और सीपी को एक साइड रखिएगा। तो अगर आप एसपी को इधर लेके जाइएगा तो तीन को यहाँ लाइएगा, एसपी अगर यहाँ जाएगा तो तीन यहाँ जाएगा, तो पांच बटा तीन कहलाएगा और बराबर में सीपी बटा में एसपी। सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं खरीद करके पांच रुपया में लाया हूँ और बेच रहा हूँ तीन रुपया में। खरीद करके पांच रुपया में लाया हूँ और बेच रहा हूँ तीन रुपया में, तो खरीदारी पांच है, विक्रय मूल्य हमारा तीन रुपया है, यानी हमको यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस मतलब हानि हो रहा है और हानि हो जाएगा हमको दो रुपए का। तो हानि परसेंट जो होता है वो होता है हानि गुने सौ और बटा में क्रय मूल्य, इंग्लिश में लॉस इंटू हंड्रेड बाई में सीपी। तो यहाँ पर कहता है कि लॉस परसेंट यानी हानि परसेंट, तो हानि हमको दो रुपए का हो रहा है, दो गुने सौ और बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी, और क्रय मूल्य हमारे यहाँ देखिए पांच है, तो पांच से इसको काटेंगे तो बीस बार में बीस गुना के 40% का लॉस यानी हमको हानि होगा। अब एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर कहता है कि पांच वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, पांच वस्तु का विक्रय मूल्य तीन वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी के इक्वल है यानी बराबर है। तो एसपी को आप इधर ले जाइए और तीन को यहाँ रखिए, जो जिसके सामने पड़ेगा वो वैल्यू होगा। तो क्रय मूल्य हमारा पांच रुपया है, विक्रय मूल्य हमारा तीन रुपया है, यानी खरीद के पांच में लाया हूँ और बेच रहा हूँ तीन रुपया में, तो हमें दो रुपए का हानि यानी लॉस होगा। हानि परसेंट हानि गुने सौ बटा क्रय मूल्य, लॉस परसेंट लॉस इंटू हंड्रेड बाई सीपी, दो गुने सौ बटा में पांच, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा पांच है, काटेंगे तो लॉस होगा हमको 40% का। देखिए क्वेश्चन का नाम है कि एक्स द्वारा 1.5 लाख रुपए का मूल्य का मकान 5% लाभ पर वाई को मैंने यानी 5% प्रॉफिट पर वाई को मैंने बेच दिया, वाई ने उसे 2% हानि यानी लॉस पर फिर से एक्स को दे दिया, तब इसमें क्रय या विक्रय यानी सीपी और एसपी में क्या हुआ है, क्या चीज हुआ है? तो यहाँ पर ये देखिएगा, सबसे पहला उसने कहा कि मकान है 1.5 लाख रुपए का और 1.5 लाख रुपए के मकान को 5% लाभ पर एक्स बेच रहा है वाई को, और फिर वाई उसने क्या कर दिया कि उसी मकान को 2% हानि पर एक्स को दे दिया। तो ये टोटल लेन देन में क्या हुआ और किसको क्या हुआ ये पूछा जा रहा है, यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य मतलब लाभ या हानि जो भी हुआ होगा दोनों में से किसको क्या हुआ ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला चीज कि लाभ और हानि का जो फ्रैक्शन होता है वो मेन जो फ्रैक्शन है वो है 100/100, 100/100। लाभ में इसमें जोड़ देंगे और हानि में इसी में घटा देंगे, जैसे 20% लाभ का मतलब 20 इसमें जोड़ेंगे तो 120/100, 30% लाभ 130/100, 50% लाभ 150/100, 25% लाभ 125/100। लेकिन अगर हानि होगा तो इसी में से घटाएंगे, यानी 5% हानि तो 5 घटाएंगे तो 95, तो 95/100, 20% हानि 80/100, 30% हानि 70/100, ये होता है मेन फ्रैक्शन। अब x क्या किया है ना कि x जब y को बेचेगा तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का मकान है और वो 5% लाभ पर लेगा, तो एक 5% लाभ का मतलब 105/100। अभी 1.5 लाख रुपए के सामान को वह 5% लाभ पर y को दे दिया, तो y इसको कितना में खरीद रहा है ये आप देख लीजिए, y यानी y का सीपी निकलेगा। ये x का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी एसपी, और y का क्रय मूल्य है, क्योंकि x उसको जितना में बेचेगा y उसको उतना में ही खरीद लेगा। तो यहाँ पर ही जितना में बेचेगा उसको उतना में ही वो खरीद लेगा, यानी x के लिए ये विक्रय मूल्य का काम एसपी का काम करेगा और y के लिए ये क्रय मूल्य यानी सीपी का काम होगा। तो यहां से अगर हमने यहां से हटाया
तो आएगा हमारे पास 00 तो ये खुद है, 15 25 75 आ जाएगा और 15 एकम 15, यानी हम कह सकते हैं कि 157,500 रुपया में ये मकान बिक गया वाई को, यानी वाई ने इसको 157,500 रुपया में इसको खरीद लिया। अब 157,500 में खरीद लिया, अब फिर से ये वाई ही बेच रहा है, एक्स के हाथ में जा रहा है। तो अब यही वाला जो सामान है 157,500 का, ये वाला उसको जब एक्स को फिर से दिया जा रहा है, यानी अब यहाँ पर एक्स खरीदेगा सीपी एक्स का क्रय मूल्य, तो एक्स इसको कितना में खरीदेगा ये देखिएगा। तो ये वाई जो है इसको 2% हानि पर बेचेगा, तो 2% हानि का मतलब इसी 100 में से घटा देना है, तो 2% हानि का मतलब होता है 98/100। 157,500 का जो दुकान घर है वो 2% हानि पर बिकेगा, यानी 98/100 में बिकेगा। तो जब इसको हम यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास आएगा, तो जब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे यानी गुना करेंगे तो 154,350 में ये फिर से बिक गया। तो ये एक्स के हाथ में गया है, बेचा है इसको वाई, यहाँ से ये वाई बेचा है एक्स को और यहाँ से एक्स बेचा है वाई को। तो अब ये सामान वही जो मकान था वो 154,350 रुपया में फिर से एक्स के हाथ में चला गया। तो इसमें आपको देखिएगा कि 150,000 में ये मकान जो है एक्स के पास था और वो वाई को बेचा गया, तो वाई को जब हाथ में गया तो 157,500 रुपए में बिका। अब वाई इसी को इतना में खरीद करके ये एक्स को फिर से वापस कर दिया, तो अब यहाँ बताइए कि वाई इतना में खरीदा और फिर वाई इतना में बेचा, तो ये वाई को हुआ लॉस, हानि हो गया, लेकिन जितना वाई को हानि होगा उतना ही एक्स को लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स के कंडीशन में या वाई के कंडीशन में जिस रूप में आंसर दिया होगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो ये माइनस आ रहा है यानी 0, 5, 1 और फिर यहाँ पर 3, ठीक है 3150 रुपए को अगर आप दो रूप में देख सकते हैं, जैसे 3150 रुपए जो हमारे पास यहाँ आ रहा है ये x को लाभ हुआ और y को हानि, तो x को लाभ हो रहा है और y को हानि हो रहा है। तो ये जिस रूप में आंसर मांगेगा आप यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि आंसर का ऑप्शन भी इसी रूप में रखा है कि यहाँ पर y को क्या होगा या x को क्या होगा। तो x को 3150 रुपए का लाभ हो रहा है और y को 3150 रुपए का हानि हो रहा है। अब एक बार हम फिर से इसको देखेंगे, x के पास 1.5 लाख का मकान है जिसको वह 5% लाभ पर y को देना चाहता है, तो 5% लाभ का मतलब 105/100 और वो जो घर है वो 157,500 में बिक गया। तो x इसको 157,500 में बेचा और y उसको उतना में ही खरीद लिया, यानी x का क्रय मूल्य और y का विक्रय, x का विक्रय मूल्य और y का क्रय मूल्य बराबर है। अब y इसको फिर से 2% हानि पर, तो 2% हानि का मतलब 98/100 पर उसने फिर से x को रिटर्न कर दिया, तो x 154,350 रुपए में उसको खरीद लिया। अब वो बेचा था इतना में और खरीदा है इतना में, तो यहाँ से घटाएंगे तो 3150 रुपए को x को लाभ होगा, यानी x को जो लाभ हुआ है वो 3150 रुपए का है। अगला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से है, तीन पार्टनर एक बिजनेस कर रहे हैं जिनका शेयर यानी हिस्सेदारी है, एक वर्ष में ए को जो लाभ हुआ है वो 1/3 हुआ है, ए को जो लाभ होगा वो 1/3 लाभ यानी प्रॉफिट, 1/3, और बी को जो लाभ हो रहा है वो 1/4 हो रहा है, तो सी को क्या होगा, तो सी को अभी नहीं मालूम है। तो याद रखिएगा जब कभी भी कोई भी लाभ हानि या कोई भी शेयर यानी हिस्सा बट्टा में चला जाए, फ्रैक्शन में चला जाए, तो टोटल 1 माना जाता है, टोटल 1 माना जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो प्रॉफिट यानी लाभ है वो 1 है, 1 में से 1/3 ए लिया है, 1/4 बी लिया है, सी नहीं मालूम, तो आपको क्या करना होगा कि 1 में से इन दोनों को जोड़ के और घटा दीजिएगा। तो 1/4 प्लस में 1/3 जोड़ करके अगर 1 में से घटाइएगा तो वो सी का शेयर निकल जाएगा यानी सी का हिस्सा निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12 और ऊपर 4 × 3 = 7 यानी 7/12 और 12 यहाँ जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो आपका आएगा 5/12 और ये हुआ सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा मिला है 5/12,
अब आपको रेशियो में एक चीज सिखाया जाएगा कि जब हमारा कोई भी फ्रैक्शन बट्टा में चला जाए, फ्रैक्शन में चला जाए, तो उसको सीधा करने का तरीका है कि आप यहां से 3, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे, जो कि आपका सिर्फ 12 ही आएगा, और उसी 12 से सब में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो 12 से जैसे ही गुना करेंगे, यहाँ पर आपका रेशियो हो गया सीधा, तो 3 चौका 12, 4 दिया 12 और 12 एकम 12, यानी सिर्फ 5 बचा। यानी ए को 4 रेशियो में लाभ मिला है, बी को 3 रेशियो में और सी को 5 रेशियो में, और इन्हीं में से कहता है कि किसी एक का प्रॉफिट यानी लाभ दिया हुआ है और सी का लाभ दिया है 5,000। कह रहा है कि सी को 5,000 लाभ हुआ है, तो सी को किस रेशियो में लाभ हुआ है, तो 5 रेशियो में। तो कह सकते हैं कि 5 रेशियो का वैल्यू 5,000 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 1,000 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 1,000, तो ए का लाभ कितना है, तो ए को 4 रेशियो में हुआ है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 1,000, तो 4 रेशियो का वैल्यू 4,000, यानी ए को 4,000 रुपए का लाभ हुआ है। अब एक बार फिर से देखिए, जब कभी भी कोई फ्रैक्शन में डेटा जाए, जैसे लाभ को उसने कहा कि हम 3 पार्टनर हैं और तीनों जाकर के हम लाभ कमा रहे हैं, ये 1/3, 1/4 लाभ कमाया, सी का नहीं दिया था, तो जब कभी भी फ्रैक्शन की बात हो तो टोटल 1, तो 1 में से इन दोनों को जोड़ के और घटा देंगे ना, तो आपका सी का हिस्सा आ जाएगा, तो सी का 5/12 आया है। जब कभी भी फ्रैक्शन हो तो रेशियो को सीधा करने का तरीका है कि इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम 12, इन्हीं 12 से सब में गुना कर देंगे, तो काटने पर 4, 3, 5, ये लाभ का अनुपात यानी रेशियो आ गया। अब इनमें से किसी एक का वैल्यू दिया है सी का, सी बोलता है कि 5,000 है, तो सी कितना रेशियो है, 5 रेशियो, 5 रेशियो का वैल्यू 5,000, तो 1 रेशियो का वैल्यू 1,000, तो 1 रेशियो का वैल्यू 1,000, तो इनमें से जिसका भी पूछेगा उसका करेंगे, तो ए का पूछा है 4 रेशियो में, 4 रेशियो का वैल्यू 4,000, यानी ए को 4,000 रुपए का लाभ मिलेगा, और ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पुस्तक 12,000 रुपया में खरीदे, यानी 200 बुक्स उसने 12,000 रुपया में खरीदा, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसके 20 बुक के बराबर प्रॉफिट हो जाए, यानी लाभ हो जाए, यानी 20 बुक उसको फ्री में मिल जाए, तो उसे कितने परसेंट लाभ पर सारे बुक को बेचना पड़ेगा। तो देखिए, उसने क्या किया है ना कि 12,000 रुपया में 200 किताब खरीदा है, तो एक किताब का सीपी यानी क्रयमूल पहले निकालिए, तो हमारा जो सीपी होगा यानी क्रयमूल जो होगा हमारा, वो हम ये देखेंगे कि 12,000 रुपया पूरा पर लगा है, लेकिन 12,000 में कितना किताब मिला है, तो 200 मिला है, तो 200 किताब 12,000 में, तो एक किताब कितना में, तो यहां से अगर हम काटेंगे तो पता चलेगा कि हम 60 रुपया में ए वो किताब खरीद के लाए हैं, 60 रुपया में एक किताब खरीद के लाए हैं, और मैं चाहता हूं कि मुझे 20 बुक फ्री में मिल जाए, यानी मैं ऐसे लाभ पर बेचना चाहूंगा जो मुझे 20 गो बुक का प्रॉफिट दे यानी लाभ दे। तो एक बुक का खरीदारी कितना है, तो एक बुक का खरीदारी 60 रुपया है, तो 20 गो बुक का खरीदारी 1200 रुपया होगा। यानी अब मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि मैं इस सारे किताब को उतना परसेंट लाभ पर बेचूंगा जिसमें मुझे 1200 रुपए का लाभ हो, 1200 रुपए का प्रॉफिट हो। तो फिर हमको मालूम है कि लाभ परसेंट जो होता है, लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100/ क्रयमूल, यानी प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इनटू 100 और बाई में सीपी। अब यहाँ देखिएगा कि हम लाभ कमाना चाहते हैं 1200 गुने 100 और 1/ में क्रयमूल यानी सीपी, तो सीपी हमारा टोटल 12,000 का था खरीदारी, तो 3 0 2 और 1 3 0 खत्म, 12 से 12, यानी हमको टोटल बुक्स को यानी किताब को 10% लाभ पर हमें बेच देना चाहिए। 10% लाभ पर अगर हमने यहाँ पर बेचा तो हमें 20 को किताब फ्री में मिल जाएगा। अब एक बार फिर से देखिए, मैं 12,000 रुपए में 200 किताब खरीदा हूं, तो एक किताब का दाम निकालने के लिए 200 किताब से भाग दूंगा, तो एक किताब का दाम मुझे क्रयमूल यानी सीपी पड़ेगा 60 रुपया। मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे बेचूं कि मुझे 20 को बुक फ्री में मिल जाए, तो एक किताब का दाम 60 रुपया, तो 20 किताब का दाम 1200 रुपया, यानी 1200 रुपया मुझे लाभ कमाना चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए। लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100/ क्रयमूल, प्रॉफिट इंटू 100/CP, काटेंगे आंसर आएगा 10%, यानी हमें सारे किताब को 10% लाभ पर अगर मैं बेच देता हूं तो मुझे टोटल पर, यानी मैं जब 200 किताब बेचूंगा तो मुझे 20 गो किताब फ्री में मिल जाएंगे, यानी 20 किताब का विक्रय मूल्य के बराबर हमको लाभ हो जाएगा यानी प्रॉफिट हो जाएगा।